फरारी मस्टैंग एंड सुप्रा कार के अपडेट के बारे में तो तुम लोगों को पता ही होगा, बट क्या तुम लोगों को पता है आखिर इस मैकलेरन कार का कोड क्या है? आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड भी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। एंड हाँ, इस गेम के न्यू वाले अपडेट में हम लोगों को और न्यू क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उनसे रिलेटेड भी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले कि हम लोग को इस वाले गेम की न्यू वाले अपडेट में कौन कौन सी न्यू चीजें देखने को मिल चुकी हैं। एंड हाँ, अगर तुमने अभी तक इस गेम को अपडेट नहीं किया तो फटाफट से मैं तुम लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि इस गेम को अपडेट कर लो, क्योंकि न्यू वाले अपडेट में हम लोग को काफी न्यू चीजें देखने को मिल चुकी हैं। ओके। एंड अपडेट होने के बाद चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इस न्यू वाले अपडेट में हम लोगों को न्यू कौन कौन सी चीजें देखने को मिल चुकी हैं एंड उन्हें कैसे यूज करते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं बाहर आ चुका हूँ अपने घर के, एंड पहला चेंज तो मुझे यहीं पे दिख गया। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खड़ी हुई है सुपर स्प्लेंडर, जो कि इस न्यू वाले अपडेट में ही न्यू ऐड करी गई है। एंड ऐसी क्लासिक बाइक्स का मैं तो कुछ इतना बड़ा फैन नहीं हूं, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग को ये बाइक कैसी लगी। एंड वीडियो के आगे तो मैं तुम लोग को इसका कोड भी बताता हूँ, ठीक है? बट उससे पहले हम लोग देखने वाले हैं इस गेम के मोस्ट अवेटेड कोड्स के बारे में, जो कि है सुप्रा कार, मस्टैंग एंड फरारी कार के कोड्स। क्यों है ना? Yes, exactly. Huh? बात करा जाए अपने पहले कोड की, जो कि है 2244, एंड फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी एक न्यू सुप्रा कार। एंड मस्टैंग कार को स्पॉन करवाने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे डायल करना होगा 8123, एंड फिर हमारे सामने देख सकते हो मस्टैंग कार भी आ चुकी है। एंड फरारी कार के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे डायल कर दिया 8811, एंड फिर देख सकते हो मेरे सामने न्यू फरारी कार भी आ चुकी है। एंड चलो इसी के साथ हम लोग न्यू स्प्लेंडर का भी कोड देख लेते हैं, जो कि है 6021। एंड जैसे ही मैंने ये डायल किया, मेरे सामने न्यू स्प्लेंडर भी आ चुकी है। एंड अगर तुम लोग यहाँ पे 4x0 डायल कर देते हो तो तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी एक न्यू एक्टिवा स्कूटी भी, ठीक है समरिया? एंड हाँ, इस न्यू वाले अपडेट में तो हम लोग को एक न्यू जॉम्बी मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसको तुम लोग इस चैलेंज वाले ऑप्शन में जाके एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लिया है। वैसे तो ओपन करते ही हम लोग को यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। एंड जॉम्बी मोड में एक्चुअल में तो हम लोग को यहाँ पे एक भी जॉम्बी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं चला जाता हूँ एयरपोर्ट पे तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो उधर की साइड कितनी ज्यादा भीड़ है। एंड ये भीड़ किसी और चीज की नहीं, बल्कि खुद जॉम्बीज लोगों की, जो कि हम लोग मार सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं चुपचाप पीछे आ गया। एंड हाँ, मैं को बता देता हूँ, तुम लोग जॉम्बीज को कोड के थ्रू भी बुला सकते हो। एंड उसका कोड क्या है, चलो मैं तुम लोगों को फटाफट से वो भी बता देता हूँ। तो अगर तो तुम लोग यहाँ पे डायल कर देते हो 2030, तो तुम लोगों के आसपास बहुत सारे जॉम्बीज स्पॉन हो जाएंगे, जो कि धीरे धीरे तुम लोगों के पास ही आ रहे होंगे। एंड पास आते ये लोग हमें मारना भी स्टार्ट कर देंगे। एंड ऑनेस्टली मैं लड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं स्पॉन करवा लेता हूँ हेलीकॉप्टर, जिससे ये लोग मुझे टच भी ना कर पाए। एंड हाँ, एक और बात, इस न्यू वाले अपडेट में तो हम लोगों को एक न्यू हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ डायल किया 8000 एंड हम लोग को एक ब्लैक कलर का ऐसा चॉपर हेलीकॉप्टर देखने को मिल चुका है। आई डोंट नो भाई, तो चॉपर बोलते भी है या नहीं? लानत है तुम लोग पे, लानत। अब एनीवेज, तो ये तो हो गए इस न्यू वाले अपडेट के कुछ न्यू कोड। बट अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ इस न्यू अपडेट में मिले हुए हम लोग को एक न्यू ऑप्शन के बारे में, जो कि हम लोग को इसी वाले अपडेट में देखने को मिला है। एंड उससे भी तुम लोग काफी कमाल की चीजें कर सकते हो। एंड इस टूल का नाम है RGS टूल, जिसको कैसे यूज करना है चलो अब हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ इस प्लेन के ऊपर, आई डोंट नो क्यों। तो बात करा जाए इस RGS टूल की, तो तुम लोग यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट डाल के कुछ चीजें इस गेम में कर सकते हो। एंड आखिर वो टेक्स्ट कौन कौन से हैं वो मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूँ। तो उनमें से एक टेक्स्ट है जेट। एंड जैसे मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे डाल के एंटर दबाया, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने जेट उड़ने लगे। एंड मैंने यही चीज काफी टाइम डायल करी थी, इसीलिए आसमान में अब काफी सारे जेट्स भी आ चुके हैं। एंड चलो मैं तो सोच रहा हूँ कि चलो मैं भी इनके साथ अपनी प्लेन लेके जाता हूँ एंड इन्हें और पास से देखता हूँ, या फिर ट्राई करते हैं इनसे लड़ने का। ओके, तो मैं अपनी येलो वाली प्लेन लेके आ चुका हूँ। एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो इधर की साइड कितने सारे जेट्स उड़ रहे हैं, एंड कुछ तो मेरे बिल्कुल करीब से जा रहे हैं। बट हाँ, मैंने बहुत ट्राई किया, बट मैं इन लोगों के रूट में नहीं घुस पा रहा हूँ एंड मैं इन्हें सही टाइमिंग पे नहीं लड़ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, उसकी जरूरत भी नहीं है, ये लोग आपस ही में लड़के फूटे जा रहे हैं। एंड मैंने भी अपनी आंखों से 2-3 प्लेन को तो ऐसे ही फूटते हुए देख लिया। तो तुम लोग को ये अपडेट कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताना है। एंड हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम लोग भी इस चीज को ऐसे यूज कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड वो देखो बिल्डिंग, चलो घुसते हैं।
बट एनीवेज तुम लोगों को पता ही होगा कि इस न्यू वाले अपडेट में हम लोगों को एक न्यू कार शोरूम भी देखने को मिल चुका है। बट हाँ, तुम में से काफी सारे लोगों की ये कंप्लेन है कि भाई हम लोगों को अपने कार शोरूम में कोई भी कार नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन है, इस RGS टूल की हेल्प से तुम लोग इस चीज को भी सॉल्व कर सकते हो। सिंपली तुम लोगों को RGS टूल में टाइप करना है कार्स बाय, एंड फिर अगर तुम लोग बैक जाके वापस से वापस आते हो तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे अब कार्स बहुत सारी दिखने लगी है। एंड तुम लोग इन कार्स को इस शोरूम से बाहर निकाल के चला भी सकते हो। एंड हाँ, तुम लोग चाहो तो इस RGS टूल की हेल्प से इस फोन का भी कलर चेंज कर सकते हो। सिंपली तुम लोग को यहाँ पे डायल करना है फोन कलर, एंड फिर उस कलर का नाम जो कि यहाँ पे अवेलेबल हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येलो या ग्रीन या फिर जो भी तुम लोग चाहो। एंड कुछ इसी तरीके से अब तुम लोग इस गेम के अंदर अपने फोन का भी कलर चेंज कर सकते हो। एंड हाँ, इसी से रिलेटेड मैं तुम लोग को एक और RGS टेस्ट बताता हूँ, जिसकी हेल्प से तो तुम लोग लिटरली अपनी लोकेशन तक सेव कर सकते हो। एंड इसको कैसे यूज करना है चलो अब बताता हूँ। सिंपली तुम लोग को कहीं पर भी खड़े हो जाना जहाँ की लोकेशन तुम लोग सेव करना चाहते हो, एंड फिर तुम लोगों को RGS टूल में टाइप करना है सेव, एंड दैट्स इट। अब हम लोग अपने सेव करी हुई लोकेशन से कितनी भी दूर चले जाएं, जैसे कि मैं अभी कार से काफी दूर आ चुका हूं, एंड अगर अब मैं RGS टूल में जाके टाइप करता हूं लोड, तो तुम लोग देख सकते हो मैं वापस स्पॉन हो चुका हूं अपने सेव करी हुई लोकेशन पे। एंड ये अपडेट भी सच में काफी ज्यादा मजेदार है एंड काफी यूजफुल भी है। एंड इवन आफ्टर दिस अपडेट तुम लोग अपने इस गेम के बटन्स को भी काफी हद तक ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, जिससे तुम लोगों को इस गेम का काफी ज्यादा व्यू देखने को मिल जाएगा अपने स्क्रीन पे। एंड इस UI को ऑफ करने के लिए सिंपली हम लोग को यहां पे लिखना होगा UI ऑफ, एंड जैसे ही हम ये लिखते हैं तुम लोग देख सकते हो सारे बटन काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट से हो चुके हैं एंड इनकी ओपेसिटी काफी कम है। हालांकि अभी भी बटन काफी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, बट हाँ, तुम लोग चाहो तो ऐसे भी गेम प्ले कर सकते हो। एंड बटन को नॉर्मल करने के लिए सिंपली हम लोग को यहाँ पे टाइप करना होगा UI ऑन, एंड हमारी UI ऑन हो जाएगी एंड सब पहले जैसे ही हो जाएगा। तो कुछ यही चीजें हैं जो कि हम लोग इस न्यू वाले अपडेट में देखने को मिल चुकी हैं। बट हाँ, अब बात करा जाए कि आखिर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक मैकलेरिन कार का गेम प्ले देखा था, आखिर उसका कोड क्या है। तो अभी तो ये मैकलेरिन कार इस गेम के अंदर ऐड नहीं करी गई है, बट हाँ, अगर तुम लोगों को ऐसी मैकलेरिन कार अपने इस इंडियन बाइक ड्रैगन 3D गेम में चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे फिर तुम लोगों के भी गेम में ये कार को ऐड करा जाए। एंड हाँ, अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा सा भी एंजॉय किया है या फिर ये वीडियो तुम्हारे थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो या फिर ये वीडियो तुम्हारे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे कर देना। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।